सुप्रभात। आज हम लोग पाठ्यक्रमानुसार वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि, स्वर संधि के पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि का आप लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि लीजिए, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो अ जो ए या ऐ मिलकर ऐ तथा अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ तथा ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे अत्र जोड़ ए अत्रय, तत्र जोर एव तत्रय, एक जोर एकम एकैकम, तव तव का अर्थ होता है तुम्हारा, एषः यः, तव जोर एषः, तव एषः, मया जोर एषा, मयैषा मेरे द्वारा यः, जन जोर ऐक्यम जनैक्यम, ऐक्यम का अर्थ होता है एकता, महा जोर ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, इंद्र जोर ऐरावतः इंद्रैरावतः, ओ जोर ऐ बराबर ऐ, ओ जोर ए बराबर ऐ, ओ जोर ओ बराबर औ, ओ जोर औ बराबर औ, जन जोर ओघः, ओघः का अर्थ होता है समूह, जनौघः, जन जोर ओघः, जलौघः, सूप, सूप का अर्थ हुआ दाल, ओदनम भात, सूप जोर ओदनम सुपोदनम, महा जोर ओघः महौघः, मम जोर औदार्यम ममौदार्यम, महा जोर औस्थम महौस्थम, विद्या जोर औत्सुक्यम, औत्सुक्यम का अर्थ होता है उत्सुकता, विद्या जोर औत्सुक्यम विद्योत्सुक्यम। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ तथा ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। ओ या आ जो ए या ऐ बराबर ऐ, ओ या आ जो ओ या औ बराबर औ। तो हम लोग याद कर लेंगे, ए से एव एकम, एषः एषा, ए से ए लिख देती हूँ इसमें, ए से क्या क्या है, ए, ए से हो गया एकम एव, इसके बाद एषः या एषा एकता, जैसे जन जोर एकता जनैकता, इस तरह से ऐ से ऐक्यम ऐश्वर्यम, ऐक्यम ऐश्वर्यम ऐरावतः, याद कर लेना है इसको कि ऐ से क्या क्या होता है, ऐ से ऐक्यम ऐरावत ऐरावतः ऐश्वर्यम ऐश्वर्यम, ऐसे फिर इधर हम लोग पढ़ेंगे, ओ से ओघः, ओ से ओघः, ओजः, ओजः का अर्थ होता है उत्साह, ओ से ओघः, ओघः का अर्थ हुआ समूह या भेद, ओजः इस तरह से, इसके बाद औ से औदार्य, औस्थम औस्थम महाजोर औस्थम महौस्थम, औत्सुक्यम ये औत्सुक्यम ये औ से होता है। तो गृह कार्य में आप लोग वृद्धि संधि परिभाषा उदाहरण जो लिखन, वृद्धि संधि की परिभाषा और उदाहरण लिखें। धन्यवाद आपको।